क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू sin x, x की वैल्यू pi by 2 से ज्यादा है उसके इक्वल और 3 pi by 2 से कम या उसके इक्वल है एंड x एक्सिस। ये आपकी फोर्थ क्वेश्चन 12th में साइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 11 का है। इसके अंदर आपको ये जो कॉमन रीजन है दोनों का कॉमन एरिया है वो पता करना है। सबसे पहले y इक्वल टू sin x की बात करते हैं। y इज इक्वल टू sin x, ये x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस और रीजन sin x का ग्राफ इस तरह से, ये हमारे पास 0 और ये 2 पाई, यहां पर पाई आ जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास होगा x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 और यहां पर ये x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। अब आपको डिमांड है 3 पाई बाई 2 से ज्यादा और 3 पाई बाई 2 से कम या उसके इक्वल, इसमें भी इक्वल भी, तो एरिया जो कंबाइंड एरिया और साथ में x एक्सिस दे रखा है, x एक्सिस से बाहर नहीं जाना है, एक तो ये आ रही एरिया आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। अब sin x का ग्राफ जो है ना ये सिमेट्रिक होता है, जैसा इस तरफ होता है वैसा ही यहां पर होता है, सिर्फ एक पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है, तो आपके एरिया टॉलरेंस पॉजिटिव रहता है। तो आप क्या करो इसको फाइंड करके इनटू 2 करेंगे तो ये दोनों आपके टोटल आ जाएंगे। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए स्ट्रिप लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आयताकार पट्टी का जिसकी थिकनेस dx है और इसकी हाइट y है। यहां से लगाकर ये पूरा एरिया, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो आपस में पैरेलल है से बना हुआ मान सकते हैं और ऑल स्ट्रिप्स आर पैरेलल टू y एक्सिस आल्सो, सारी सारी पट्टिकाएं y एक्सिस के समानांतर हैं। तो इस केस के अंदर अगर मैं एक पट्टिका का एरिया निकाल लूं और इंटीग्रल कर लूं तो पूरा एरिया यहां से यहां तक और इनटू 2 करने से ये भी काउंट हो जाएगा और टोटल एरिया आ जाएगा। अब यहां सोचने वाली बात है रेक्टेंगुलर कैसे हुई, यहां तो निकालो है, देखो bx थिकनेस बहुत कम है यानी इस कर्व का सबसे छोटा हिस्सा और वो छोटा से छोटा हिस्सा स्ट्रिप का इनके सबसे छोटे हिस्से के बराबर होगा, इसलिए अपन इसको एक आयताकार पट्टिका कह सकते हैं। इस आयताकार पट्टिका का एरिया मेरे पास होगा y1 इनटू dx और पूरा एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल कर लेते हैं, लिमिट के पास है ये pi by 2 से ये pi तक इसके अंदर और इनटू 2 कर लें ताकि हमारे पास ये एरिया भी इसमें काउंट हो जाए, क्योंकि इसमें क्या बोला है y इनटू sin x pi by 2 से ज्यादा है उसके इक्वल, 3 pi by 2 से कम है उसके इक्वल एंड x एक्सिस, तो ये पूरा शेडेड एरिया हमारे पास ये और ये दोनों बनता है। अब बात करते हैं y1 कहां से आएगा, y1 कौन से कर्व के ऊपर है, इस कर्व के ऊपर अवेलेबल है, यहां पर देखो तो यहां पर y की जगह y1 लिख दे और यहां पर y1 इक्वल टू sin x की वैल्यू हो जाएगी, दिस इक्वल्स टू pi by 2 से pi और इनटू 2 का रखा है y1 की वैल्यू मेरे पास है sin x dx। अब sin x का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos x pi by 2 से pi, लिमिट डाल दें इसमें माइनस है, माइनस को आगे लिख दें सबसे, माइनस को बाहर ले सकते हैं, cos pi माइनस cos pi by 2 अपर माइनस लोअर माइनस का 2, cos pi माइनस 1 होता है एंड cos pi by 2 0 होता है माइनस 0, यानी कि माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 आएगा और ये माइनस 2 पहले से पड़ा है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 यहां आंसर आ जाएगा। इसका पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर लिखिए वर्ग। ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए कर्व की नॉलेज होना जरूरी है, यहां तो बहुत सिंपल था y = sin x का था, y = cos x भी आ सकता है, tan x वगैरह सारे कर्व आपके पेपर के ऊपर लिख के उनको रख लें और उनको बार बार देखते रहें ताकि आपको याद रहे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।